अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वॉचिंग एम ए इंफोटेनमेंट। हेयर आई एम राइटिंग एन एसे अबाउट मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। आई विल ट्रांसलेट इट और एक्सप्लेन इट इन उर्दू सो दैट इट विल बी ईजी फॉर द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड इट एंड लर्न इट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एसे फॉर द हाई क्लास स्टूडेंट। सो लेट स्टार्ट द एसे। मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट मीन्स के मीडिया और उसके असरात, यानी कि मीडिया का हमारी ज़िंदगियों में क्या किरदार है और ये किस तरह से हमारे ऊपर असरानंदाज होता है। मीडिया इज़ द पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशंस। मीडिया राबते का एक ताकतवर ज़रिया है। इट शेयर न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन विद द पीपल। तो ये लोगों के साथ जो है वो न्यूज़ और इंफॉर्मेशन शेयर करता है। समटाइम्स मीडिया स्प्रेड फॉल्स न्यूज़। कभी कभार जो है ये गलत खबरें भी फैला देता है, बट जनरली, लेकिन आम तौर पर इट इन्फॉर्म्स अस अबाउट द फैक्ट। लेकिन आम तौर पे ये हमें हकीकत ही बताता है अराउंड अस, जो कि हमारे इर्द गिर्द हो रहा होता है। मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर knowledge of the world। मीडिया जो है वो दुनिया के तमाम अलूम को शेयर करने में हेल्प करता है। देयर फीलिंग्स, उनके एहसास एंड ओपिनियंस और उनकी राय, यानी कि मुख्तलिफ लोग जो है वो इस पे अपने जज्बात एहसास और अपनी राय का इजहार करते हैं थ्रू इट, इसके ज़रिए से। मीडिया अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस। ये बहुत ज़्यादा लोगों की तवज्जो अपनी तरफ कर लेता है। मीडिया हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मीडिया हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। इट नॉट ओनली इन्फॉर्म अस, ये ना सिर्फ हमें मालूमात देता है, बट आल्सो एंटरटेन अस, बल्कि ये हमें एंटरटेन करता है, यानी हमें तफरीह का सामान मुहैया करता है। देयर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। राबते के दो अहम ज़रिए होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये आप जो है वो टेलीविज़न और ये सारे आ जाते हैं, मोबाइल फ़ोन और इसके ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन, और जो प्रिंट मीडिया उसमें अखबारात रसाले वगैरह होते हैं। द मीडिया इंक्लूड्स फिल्म रेडियो टेलीविज़न इंटरनेट बुक्स मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। तो मीडिया में क्या, मीडिया में फिल्म शामिल है, रेडियो होता है, टेलीविज़न, इंटरनेट
बुक्स होती हैं, मैगजीन और न्यूज़पेपर वगैरह, ये सब मीडिया में शामिल है। इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट, तो ये हमें ना सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है बल्कि हमें एंटरटेन भी करता है, यानी कि तफरीह भी हमारे लिए इसमें होती है। ये मीडिया ही है जिसकी वजह से हमारी दुनिया सिकुड़ कर एक गांव की सूरत इख्तियार कर चुकी है। मीडिया का अगर ईमानदारी से ये काम करे तो ये हमारी ज़िंदगियों में बहुत ही मस्बत किरदार अदा कर सकता है।